हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी रेसिपी। दोस्तों कढ़ी बनानी बहुत ही आसान विधि है और आज हम जो है हरी मेथी की कढ़ी बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 किलो छाछ ली है और उसके बाद हमने ये देखिए एक कटोरी के अंदर हरी मेथी ली है। हरी मेथी से बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। एक कटोरी के अंदर हमने ये देखिए बेसन लिया है, 3 हरी मिर्च जिनको हमने बारीक काट लिया है, 1 प्याज इसको भी हमने काट लिया है, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया हमने यहाँ पर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी से थोड़ी ज़्यादा चम्मच जो है हल्दी पाउडर लिया है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की जिनको हमने बारीक पीस लिया है, और ये 1 बड़ी चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गैस को स्टार्ट कर लिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले तेल। ये देखिए तेल डाल दिया है और तेल को जो है अच्छे से गर्म होने देंगे 2 से 3 मिनट तक। तो वीडियो में लगातार बने रहें। तब तक तेल गर्म होता है तब तक हम जो है छाछ के अंदर बेसन को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए छाछ है, इसके अंदर सबसे पहले बेसन डालेंगे। देखिए बेसन डाल दिया है और इसको रई की सहायता से जो है इस प्रकार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले तेल के अंदर डालेंगे जीरा। ये देखिए जीरा डाल दिया है और जीरे को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए जीरा ब्राउन हो चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्ची और प्याज। इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हरी मिर्ची और प्याज को। देखिए इनको अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। अब डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हल्दी बिल्कुल पक चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं गर्म तेल के अंदर। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। ये नमक डाल दिया है हमने स्वाद के अनुसार। और अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। और इसको अच्छे से पका लेंगे, मसाला अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो जल ना जाए, लगभग आधी कटोरी पानी। ये देखिए आधी कटोरी पानी डाल दिया हमने। अब डालेंगे हरी मिर्ची और इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए हरी मिर्ची मिक्स हो चुकी है मसाले के अंदर। अब छाछ और बेसन का पेस्ट जो बना रखा वो डालेंगे। तो ये देखिए छाछ और बेसन का पेस्ट हमने डाल दिया इसके अंदर। और आपको इस चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि कढ़ी जो है वो फट ना जाए। अगर नहीं चलाएंगे तो कढ़ी फट जाएगी, इसलिए 4-5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे तो कढ़ी में उबाल आ जाएगा। तो वीडियो में लगातार बने रहे हैं दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब इसे जो है कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ी को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।